ही में सोशल मीडिया पर भोजपुरी एक्टर और आजमगढ़ से भाजपा के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का बताओ, कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, दो ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और आठ गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? 15 अप्रैल को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने ये वीडियो ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्यंग किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निरहुआ ने इस कथित वीडियो को फेक बताया। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय भी इसमें शामिल हो गए और इस कथित वीडियो को डीप फेक बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव श्रीनिवास बीवी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं और इस मामले को चुनाव आयोग के सामने भी उठाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर बग्गा समेत कई यूजर्स ने ये वीडियो डीप फेक बताते हुए इसके बारे में ट्वीट किए। अमित मालवीय के ट्वीट के बाद कई प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को फेक बताते हुए रिपोर्ट्स पब्लिश की, जैसे कि जी मीडिया आउटलेट वियॉन, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड, न्यूज 18 हिंदी और लाइव हिंदुस्तान। ऑल्ट न्यूज ने वायरल वीडियो ध्यान से देखा, हालांकि इसके ऑडियो और वीडियो में अंतर दिखता है, लेकिन हमें इस इंटरव्यू का ये लंबा वीडियो यूट्यूब चैनल सोलअप हिंदी पर अपलोड किया हुआ मिला। इस यूट्यूब वीडियो की शुरुआत में निरहुआ उन्हीं कपड़ों में समर्थकों की भीड़ के साथ गाते हुए दिखते है। ऑल्ट न्यूज ने ये यूट्यूब चैनल चलाने वाले संतोष कुशवाहा से भी कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि ये वायरल वीडियो डीप फेक नहीं है। ये बात कंफर्म करने के लिए उन्होंने हमें ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेजी, जिसमें वीडियो के बारे में डिटेल्स मौजूद है। यानी आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ने हकीकत में ये बयान दिया था, लेकिन बाद में खुद के बयान को ही वो भूल गए और वायरल वीडियो को फेक बता दिया। वहीं और भी कई भाजपा नेता ने उनका साथ देते हुए इस वीडियो के डीप फेक होने का झूठा दावा चलाया और शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की।